दोस्तों, क्या आप लोग भी अपना YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हो? आप YouTube में नए हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं अपना चैनल किस तरह से ग्रो करूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, तो गाइज आप बिल्कुल फिकर मत करिए। आज मेरे चैनल पे एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है सचिन भाई, और सचिन भाई मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। और गाइज आप लोग सुन के शॉक्ड हो जाओगे कि उन्होंने बस 6 महीने में, गाइज ओनली 6 मंथ्स में उन्होंने 35K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, एंड उनकी अच्छी खासी एक फैन फॉलोइंग भी बन चुकी है। तो गाइज आज वो आप हमारे साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे, किस तरह से उन्होंने ग्रो किया, किस तरह से उन्होंने मतलब अपना यूट्यूब चैनल पे इतने अच्छे से ग्रो किया। तो वेलकम सचिन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले ऑडियंस को मैं हेलो बोलना चाहूँगा, और जैसे कि चेतन भाई ने अपने चैनल पर मेरे को बुलाया और काफ़ी अच्छा लगा। और अपने बारे में आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है सचिन मौर्या और मेरा एक चैनल है सचिन टेक नाम से, जिसपे 35,000+ सब्सक्राइबर हैं। और मैं वहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ कि जो नए यूट्यूबर हैं वो यूट्यूब पर कैसे ग्रो हो सकते हैं, और यूट्यूब के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मैं वहाँ पर देता हूँ, और वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और गाइस काफ़ी लोग मेरे बारे में ज़रूर जानते होंगे, तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा मेरे बारे में, और आज की इस वीडियो में चेतन भाई जो हैं हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उसका मैं कुछ अच्छे तरीके से रिप्लाई करूंगा, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आपको काफ़ी कुछ यहाँ से जो टिप्स होंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके चैनल को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आपको। जरूर जरूर, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज आपको मतलब आपको मैंने बताया ना 6 मंथ्स में 35K, कितनी बड़ी अचीवमेंट है गाइज ये। तो गाइज इसके पीछे का सारा राज आज हम खोलने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सचिन भाई, आपसे सबसे पहले मैं आपका जर्नी जानना चाहूंगा कि, और ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि यार कैसे कर लिया, मतलब किस तरह से आपने इतनी तेजी से ग्रो किया, क्या आपकी जर्नी रही, किस तरह से आपने स्टार्ट किया, इसके बारे में कुछ बताइए सचिन भाई। तो गाइस मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है यूट्यूब पर काम करते हुए, लेकिन मैंने अपने चैनल पर काम नहीं किया, मैं सीखता रहा। मैं 2018 में आया था, 29 दिसंबर को मैंने चैनल स्टार्ट किया था, फिर 2019 में 3 जनवरी को मैंने जो था वीडियो अपलोड करना स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने 1-2 महीने काम किया, और मैं यूट्यूब की टिप्स नहीं देता था, मैं एंड्रॉयड से रिलेटेड वीडियो बनाता था जो हेल्पफुल होती थी नॉर्मल पर्सन के लिए, जो नॉर्मल एंड्रॉयड यूज़र हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती थी, वो वीडियो मैं क्रिएट करता था, सोशल मीडिया ऐप के ऊपर वीडियो बनाता था। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब छोड़ दिया क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मेरे को यूट्यूब छोड़ना पड़ा, लेकिन मेरी जो लगन थी वो यूट्यूब से कम नहीं, और मैं हमेशा सोचता था मैं कभी ना कभी यूट्यूब पर जरूर आऊँगा और इस पर ग्रो करके जरूर दिखाऊंगा। अब मैंने 1 से लगभग 1.5 साल दिया, उसके बाद मैंने उसके बीच में अपनी जो मेरी पढ़ाई थी उसको कंप्लीट किया, और उसके साथ साथ मैं यूट्यूब को सीखता रहा किस तरीके से ग्रो करते हैं, सारी चीज़ें मैंने सीखी, यूट्यूब के बारे में सीखा, किस तरीके से यूट्यूब काम करता है, सारी पॉलिसी मैंने पढ़ी। बहुत कुछ सीखने के बाद जब मेरा 12th हो गया, फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को यूट्यूब पर आ जाना चाहिए, अब मैं अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने जो सीखा उसको मैंने अपनी वीडियो पर अप्लाई किया, तो उसके वजह से मेरे जो व्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगे, और जो मेरा चैनल है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होने लगा। फिर मैं लोगों को वही चीज़ सिखाने लगा कि भाई ऐसे ऐसे ये सारा सब कुछ होता है, लोगों को मेरा कॉन्टेंट पसंद आया क्योंकि मैंने कुछ यूनिक करके दिखाया था, कुछ यूनिक चीज़ें मैं लेके आ रहा था अपने चैनल पर, तो इसके वजह से लोग मेरे को फॉलो करने लगे, और बहुत जल्दी 7 से 8 महीने में मेरे 35,000 सब्सक्राइबर हो गए, जो जो कि आप लोगों की वजह से हुए, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इसके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सर ये मतलब सचिन भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, मतलब 6 महीने में कंप्लीट करना ना, ये सच में बहुत मेहनत लगती है इसमें। और गाइज अगर आप लोगों ने सचिन भाई का चैनल विजिट नहीं किया है तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि मतलब उनकी ना मेहनत अलग से दिखती है कि कितना मेहनत किया है उन्होंने अपने चैनल को ग्रो करने में। डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड होते हैं एंड बहुत सारी मेहनत है इसके पीछे। तो सचिन भाई जैसे जो एक न्यू यूट्यूबर है, जैसे जो बंदे मतलब नए नए आए हैं यूट्यूब में, तो उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो उनको होती होती हैं, लाइक उनको कैमरे के सामने बोलने में डर लगता है, या उनको अपना कॉन्टेंट डिसाइड करने में डर लगता है, कॉन्टेंट मतलब कंटेंट ढूंढने में टाइम लगता है कि किस तरह से मतलब क्या कंटेंट बनाऊं, क्या लोगों को पसंद आएगा। तो जो न्यू यूट्यूबर्स है ना उनके लिए कुछ टिप्स बताइए कि क्या उन्हें करना चाहिए जिससे वो लोग तेजी से अपने यूट्यूब को ग्रो कर पाए।
देखो जो भी नया क्रिएटर आता है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी परफेक्ट नहीं था। लेकिन आजकल जो लोग हाई क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें एडवांस लेवल की वो पहले ही सिखा दे रहे हैं, तो जो न्यू क्रिएटर हैं पहले उनको सीखना चाहिए किस तरीके से हमें बोलना चाहिए, किस तरीके से हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर क्या चलता है, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आपकी जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, तो ये चीज़ें तो चलती चलती हैं यूट्यूब पर, ये चीज़ें तो आपको करना पड़ेंगी। स्टार्टिंग में आप सोचना कि मैं क्वालिटी कंटेंट ज़रूर दूँ, ना कि क्वांटिटी में वीडियो दोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्वालिटी ज़रूर देना आपकी वीडियो में, और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करना, कुछ नया करके दिखाना, कुछ जुनून के साथ आना, किसी की कॉपी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, जो आपके अंदर टैलेंट है उसी को बस दिखाना और उसी से आप अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हो। कभी गिव अप नहीं करना और कभी डीमोटिवेट नहीं होना कि मेरे से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बस सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, अपने आप को पहचानो कि भाई मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। अगर दूसरे के माइंड से अगर आप सोचोगे तो कभी आप ग्रो नहीं हो सकते, आपको खुद अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। एकदम सही कहा भाई आपने, एकदम सही। तो जैसा कि भाई अभी आपने कहा कि लाइक आपको भी बहुत प्रॉब्लम आती थी स्टार्टिंग में, तो जैसे आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड इतनी तेजी से ग्रो किया, तो इसके पीछे जैसे इसके पीछे का मतलब एक खराब भी चीज होता है कि आपका नेगेटिविटी जो होती है कि मतलब बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक आपने जैसे कहा कि आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है या ऐसा कौन सा फेलियर है जो आपकी लाइफ में आया और आप इसको कभी नहीं भूलोगे, हमेशा आपको वो फेलियर याद रहेगा? तो वैसे मेरी लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो मैंने फेस की हैं, लेकिन यूट्यूब पर आके मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया था उनने। कभी ऐसा था कि मेरा जो चैनल था काफ़ी अच्छा चल रहा था, फिर उसके बाद मेरा जो चैनल था उसकी रैंकिंग एकदम डाउन हो गई, जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल डाउन हो गई और एकदम मेरा चैनल फ्रीज हो गया, और तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद जो मेरे एवरेज व्यूज़ आते थे उससे यानी कि आधे से भी आधे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तब मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई ऐसा क्या कर दिया, ऐसी क्या गलती हो गई। फिर मैंने यानी कि उस चीज़ को सही से समझा, उस चीज़ को मैंने उसका सलूशन निकाला, क्योंकि प्रॉब्लम वही होती है जिसका हम सलूशन नहीं निकाल पाते हैं, अगर हम उस चीज़ का सलूशन निकाल लेते हैं तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रह जाती है। फिर मैंने उसको सोचा, कुछ टाइम उसके लिए दिया, फिर मैंने सोचा कि कैसे क्या होगा, उस चीज़ को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फिर मेरा जो चैनल था वो ठीक हो गया, जो एवरेज व्यूज़ थे वो मेरे आने लगे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी और सारा मैंने उस पर बताया था अपने चैनल पे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो कैसे मैंने सही किया वो भी चीज़ मैंने बताई थी। और अगर आपके यूट्यूब जर्नी में या आपके किसी भी प्रकार की कोई भी लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम आती है तो उसका शांति से बैठ के पहले सलूशन निकालिए कि उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम को सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसका सलूशन आपको ही निकालना पड़ेगा अगर आपकी प्रॉब्लम है तो। हमेशा यार देखो कुछ ऐसे पॉइंट अपने दिमाग में ज़रूर लेके आया करो जिससे आप आगे बढ़ सको और हर चीज़ को फेस कर सको, क्योंकि डीमोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको रोकेंगे टोकेंगे, काफ़ी बातें आपसे बोल, आप स्टार्टिंग में वीडियो बनाएंगे तो आपके लोग मजाक बनाएंगे, काफ़ी सारे यानी कि आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूट्यूबर की लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग उनको नीचे गिराते हैं, तो वो चीज़ भी आपको डीमोटिवेट करती है, वो भी हमारे यूट्यूब जर्नी का एक फेलियर होता है जहाँ पर हम नीचे जा सकते हैं। तो उस चीज़ को इग्नोर करके आपको अपने काम पे फोकस करना है, अपने काम से लोगों को जवाब देना है, तो अपने काम को यानी कि लेके चलिए आगे, उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, दूसरों की बातों पे नहीं, किसी भी फेलियर को नहीं, किसी भी प्रॉब्लम को नहीं, बस उसका सलूशन निकालने की हमेशा कोशिश करना। सही कहा, एकदम सही कहा भाई आपने, मतलब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस सेशन में। तो भाई अब एक और सवाल है कि जैसे आप अभी कर रहे हैं, मतलब आप YouTube कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ के मतलब बहुत कुछ पता चला हमें आपके बारे में, तो अभी आपका फ्यूचर गोल क्या है, अभी आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर को आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं फ्यूचर में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो फ्यूचर के बारे में मैं ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन थोड़े से मैं पॉइंट अपने साथ लेकर चलता हूँ क्योंकि मेरे को आगे पता है मेरे को क्या करना है। तो देखो एजुकेशन के मामले में मैं अभी बीटेक करने वाला हूँ,
और मेरा साइट में जो YouTube है वो भी चलता रहेगा, और बीटेक मेरी एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद मैं कुछ बिजनेस करने की सोचूंगा, क्योंकि YouTube पर मेरे पास ऑडियंस है, मैं कुछ बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता हूँ जहाँ से मुझे ऑडियंस की वजह से बहुत ज़्यादा उसको चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है और उस बिजनेस को मैं आगे ले जा सकता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ आगे लाइफ में, और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कोशिश तो हम करेंगे ही, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश मैं करता हूँ और हमेशा करूँगा, और आगे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूँगा, क्योंकि आप भी चैनल पर हो, मैं भी हूँ, आप भी यूट्यूब पर हो, तो आपको सब कुछ पता चलता रहेगा धीरे धीरे करके मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ। तो भाई आपकी ये बातें सुन के हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म विजन है, आप दूर की सोचते हो, आप अपना पूरा फ्यूचर अपने साथ लेकर चल रहे हो, ऐसा नहीं कि बस आपने अभी शुरू किया एंड आप ऐसे ही बस आगे बढ़ गए, नहीं। तो गाइज यहाँ से आपको एक लेसन मिल रहा है कि आप अभी जहां पर भी हो आप अपना फ्यूचर को सोचिए कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है। अभी आपके पास कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ करना है गाइज, तो ये चीज सीखने को मिलेगी आप सबको। और भाई अब एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे, मतलब जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स हमारे साथ देख रहे हैं जो अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र टिप, मतलब उनके लिए एक ऐसी टिप, अगर कोई भी एक सिंपल सा भी यूट्यूबर है या कोई भी एक यूट्यूबर है जो ग्रो करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, तो कौन सी एक ऐसी टिप है जो उनको फॉलो करनी ही करनी है, मतलब कंपल्सरी है? देखो अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हो, तो हमेशा सोचना कि आप अपने आप को पहचानो और वो चीज़ लेके आओ जो लोगों को पसंद हो, और वो चीज़ करो जो लोगों को नहीं पता हो, और हमेशा कुछ नया करने की सोचना। यूट्यूब पर अगर आप टिकना चाहते हो तो हमेशा कुछ नया कुछ अलग करने की हमेशा सोचना, तब आप ग्रो हो सकते हो, और आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको हमेशा ही काम करते रहना है, और हमेशा यही सोचना कि मैं क्या कर सकता हूँ, और लोग आपको गिराएंगे, बस किसी की बातों पे आपको गौर नहीं करना, उसको इग्नोर करना और अपने काम पे हमेशा फोकस करना, आप ग्रो हो पाओगे। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे व्यूवर्स हो तो भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करना, चेतन भाई को काफ़ी अच्छा यानी कि काफ़ी अच्छी वीडियो क्रिएट करते हैं, और आप भी इनके चैनल पर आ सकते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इनका कॉन्टेंट आपको अच्छा लगे, और वीडियो देखना पहले और लाइक कर देना और नीचे एक कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरे को भी नहीं जानते हो, तो मेरी चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार की मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। जरूर जरूर गाइज, आप सब लोग जरूर एक बार जरूर विजिट करिए, मैं आपको कह रहा हूँ एक बार जरूर विजिट करिए, मैं पूरे बिलीव के साथ कह सकता हूँ आपको उनका कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आएगा। यूट्यूब के ऊपर मतलब मास्टरी कर रखी है भाई ने, इतना अच्छा कंटेंट देते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच, आप आज के इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक इंस्पायरिंग इंटरव्यू के साथ, थैंक यू सो मच।